मेरा प्रेगनेंसी है, 3 महीना हुआ है अभी, तो हाँ 2 सेंटीमीटर का सिस्ट देखा गया है उसमें हाँ सोनोग्राफी में। बहन, तो क्या गया प्राणायाम करना है? आप एक तो अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकती हैं। आप अनुलोम विलोम हाँ प्राणायाम जितना कर सकती हैं, आप 15-20 मिनट, आधा घंटा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, आपके लिए हाँ बहुत जरूरी है। उससे आपको हाँ हाँ बहुत लाभ होगा और सिस्ट में हाँ भी बहुत लाभ हो जाएगा। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप बिल्कुल, आपका शरीर और स्वास्थ्य ठीक रहे। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि पतंजलि का हाँ मातृत्व करके एक औषधि है, मातृत्व को हाँ आप मंगाइएगा, एक एक चम्मच हाँ बहन। जी, हम लोग ने लिया है उसको। हाँ, हाँ हाँ उसको आप लेना हाँ शुरू कर दीजिए बहन, बहुत हाँ जरूरी है। तो ये दो चीज करिए, हाँ सिर्फ हाँ औषधि के रूप में मातृत्व आपको लेना है और आपको हाँ अनुलोम विलोम प्राणायाम खूब करना है। ये दो चीज करिए, हाँ और जितना भी थोड़ा फिजिकल टहलना फिरना घूमना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, ये आप बिल्कुल हाँ निर्भय वो होकर के करिए बहन। बिल्कुल आपको हाँ हाँ कोई परेशानी नहीं होगी और आपको आराम हो जाएगा। हाँ जी हाँ वो बढ़ता थोड़ी है फिर वो खाने में, खाना वाना खाते जाऊंगी तो जैसे बच्चा बढ़ेगा तो वो भी थोड़ी नहीं नहीं बढ़ेगा। नहीं ऐसा नहीं होगा। आप इतना ध्यान हाँ रख लीजिएगा, इसे प्राणायाम करने से बहनों कम हो जाएगा, बच्चा स्वस्थ रहेगा, अंदर भी बहुत हाँ अच्छा रहेगा, और उसके लिए और उससे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, वो दोनों टाइम करना है प्राणायाम को? प्राणायाम बहन दोनों टाइम कर लीजिए, बहुत हाँ जरूरी हाँ है। और मेरा स्नो फाइल इतना बढ़ा हुआ है सर, स्नोफिल्स सारा बढ़ा हुआ है कुछ तो बहन, एकदम। अभी जैसे आपके पास प्रेगनेंसी के टाइम पर यदि स्नोफिल्स बढ़ता है तो सीतोपल आदि चूर्ण, कोई बहुत भारी हाँ दवाई ऐसी नहीं लेनी होती, गर्म दवाइयां नहीं लेनी होती है। आप हाँ सीतोपल आदि चूर्ण हमारे पतंजलि के सारे स्टोरों में मिल जाएंगे। लगभग हाँ लगभग हाँ 2 ग्राम चूर्ण सुबह, 2 ग्राम शाम को, थोड़ा सा शहद मिला करके आप चाट लीजिए, उससे ठीक हाँ हाँ रहेगा। और इसके हाँ अतिरिक्त हाँ दवाई के रूप में आप सिर्फ मुलेठी का काढ़ा, मुलेठी बाजार हाँ में आराम से मिल जाएगा, मुलेठी हमारे अच्छा स्टोर में भी मिल जाएगा, उसको उबाल करके सुबह शाम उस काढ़े को लेना शुरू कर दो बहन, आपका स्नोफिल्स भी ठीक हो जाएंगे और आपको जो है बाकी समस्या भी नहीं रहेगी। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि थोड़ी सी सावधानी रखें किसी भी बीमारी के लिए और भयभीत ना हो। ये सरल, जैसे क्योंकि जब गर्भ अवस्था होती है, गर्भ अवस्था में बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है, परंतु थोड़ी जो शारीरिक स्थिति के अनुसार थोड़ा व्यायाम करना या अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, इन सबको कर सकते हैं। परंतु कपालभाति और भस्त्रिका को थोड़ा सावधानी, मृदुभस्त्रिका किया जा सकता है, परंतु कपालभाति जोर जोर से नहीं करनी चाहिए। खाने में जो सावधानी की आवश्यकता थी मैंने बताया, तो जिन परिवारों में जो मेरी बहनें अभी गर्भ में हैं, उन सब के लिए ये सावधानी और ये उपाय सबको जरूर करना चाहिए।